रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने सोचों की हिफाजत करें क्योंकि सोच अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करें क्योंकि वो अमाल बन जाते हैं, और अपने अमाल की हिफाजत करें ये आदत बन जाते हैं, और आदत से किरदार बनता है और किरदार से मुकद्दर बनता है। तो सोच हमेशा मुस्बत रखें, अपने अकायद की हिफाजत करें, अल्लाह से जुड़ जाएँ और कुरान तर्जुमे से पढ़ें, क्योंकि हम कुरान हदायत के लिए आया है। जब तक हम उसको उस जुबान में नहीं पढ़ते जो हमें समझ आती है, हम हदायत कैसे हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो लेसन है, जो सबक है, वो मल्टीप्लिकेशन है। हम 3 का टेबल करेंगे। तो हम पहले नंबर लाइन के साथ, आपने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्किप काउंटिंग, तो एक्चुअली जो टेबल 3 है वो 3 की स्किप काउंटिंग है। ये देखें, 3 × 1 इज इक्वल टू 3, और 3 × 2 इज इक्वल टू 6। ये आप जो है नंबर लाइन 30 तक बनाएं और हर 3 के बाद एक बड़ा दायरा बना लें। 3 × 3 इज इक्वल टू 9, और 3 × 3 × 4 इज इक्वल टू 12, और उसके बाद है 3 × 5 इज इक्वल टू 15, और फिर उसके बाद है 3 × 6 इज इक्वल टू 18, और आप उसके बाद है 3 × 7 इज इक्वल टू 21, और देन देर इज 3 × 8 इज इक्वल टू 24, 3 × 9 इज इक्वल टू 27, और 3 × 10 इज इक्वल टू 30। तो ये देखा कि स्किप काउंटिंग बाय 3 के साथ हमारा टेबल कितना आसान हो गया। ये टाइम्स है और नीचे 3 है, ये पूरा टेबल दिया हुआ है 3 का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर की तरफ देखो और खाली जगह पूर करो। तो ये आपके पास 3 ट्राइंगल्स के 4 ग्रुप्स हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास हम नीचे जो है वो स्किप काउंटिंग के नंबर लिख लेते हैं। तो हमारे पास 4 हैं, तो हम देखते हैं कि 1, 2, 3 हार्ट्स, 4 हार्ट्स जो हैं वो हमारे पास 12 के पास आता है। तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12, 4 × 3 इज इक्वल टू 12, एंड देयर आर 12 ट्राइंगल आर टूगेदर। तो इस तरह से हम अगर स्किप काउंटिंग को बाय 3 के साथ 3 का टेबल याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे आप वीडियो रोक लें और देखें कि आपको समझ आई है या नहीं, और इसके बाद अपना जवाब चेक करें। तो देखें, 4 × 3 इज इक्वल टू 12, और 4 × 3 इज इक्वल टू 12, और देयर आर 12 ट्राइंगल आल टूगेदर। टोटल जो ट्राइंगल्स हैं, तकोने हैं, वो 12 हैं, और हमारा 4 जो है वो 12 पे आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, टेबल ऑफ 3। तो इसमें ऊपर टाइम्स लिखा हुआ है और नीचे आपकी आंसर लिखे हुए हैं। 3 × 1 इज इक्वल टू 3, 3 × 7 इज इक्वल टू 21, और 3 × 10 इज इक्वल टू 30। तो एक्चुअली ये है स्किप काउंटिंग बाय 3। आप इसको अपनी कॉपी पे लिखें, स्किप काउंटिंग करें और इसके आंसर मैच करें। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है ये एक ब्लैंक स्लाइड है, आप खुद से इसको फिल करें, अपने कॉपी पेंसिल पे लेके इसी तरह बॉक्सेस बनाएं और पूरा टेबल जो है वो दोबारा से लिखें। उम्मीद है आपको टेबल 3 पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।